अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सब? आई होप सो आप लोग एकदम ठीक होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहें। आप लोगों की को भी काफ़ी मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह, तो एंड तक बने रहें। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए, और यहाँ पे देखिए हम्मा चश्मा पहन रहा है, और हमजा देखो माशाल्लाह क्यूट है, हमजा कैसे उसको देख रहा है। और आप लोगों से मुझे एक बात भी शेयर करनी थी। माशाल्लाह से आप लोग मेरी वीडियो को इतनी देख रहे हो, वॉचिंग दे रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है आप लोगों की कमेंट पढ़ के। तो इसलिए मैं बोलती हूँ आप लोग मुझे कमेंट किया कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलता है कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है। और हमें बहुत खुशी होती है और मोटिवेशनल मिलती है कि हमें कोई वॉच कर रहा है और हमको इतना ऑब्जर्व कर रहा है और हमें कमेंट कर रहा है। तो इस वजह से थैंक यू सो मच आप लोगों का, और ऐसे ही आप लोग का साथ सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और हमेशा मुझे साथ सपोर्ट करते रहे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हम आए हैं, हम्मा की चप्पल टूट गई थी ना, तो सैंडल एक्चुअली, तो उसकी सैंडल हम सिलाने आए हैं मोची के पास, तो यहाँ पे हम रुक गए थे। और आप लोग क्या सोच रहे हो अभी? चलिए जल्दी जल्दी फटाफट लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारी वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिले और आप लोग हमेशा मेरे से कनेक्ट रहे। तो चलिए जल्दी जल्दी फटाफट करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस। देखिए हम फिर से निकल पड़े हैं हमारी मंजिल की, और बारिश एक्चुअली बहुत ज़्यादा हो रही थी जब बारिश रुकी है, उसके बाद हम निकले हैं। और यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मौसम कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह, और कितना अच्छा लगता है ना, इतना ठंडा ठंडा फील होता है, बहुत अच्छा लग रहा था एकदम, बोलते ना अच्छा लग रहा था एकदम, सुकून भरा मौसम, और ऐसे सुकून भरे मौसम में बहुत अच्छा, बोलते ना रिलैक्स हम हो जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ उस दिन ना विसर्जन का टाइम था, गणपति फेस्टिवल चल रहा है ना, तो उस दिन गणपति जाने वाली थी, विसर्जन होने वाली थी, तो जगह जगह पे ना पुलिस के इंतजाम बहुत थे, तो सब जगह जगह पे ना पुलिस खड़े थे। और क्लाइमेट देखिए बहुत अच्छा लग रहा है ना। और यहाँ पे देखिए सिग्नल भी लगा हुआ है, तो हम रुके हैं, और एक्चुअली हम लोग जा रहे हैं ना, हम लोग एक्चुअली फ़ोन देखने जा रहे हैं, और मुझे फ़ोन लेना है, तो फ़ोन देखने के लिए जा रहे थे। मेरे लिए काफ़ी दिनों बहुत दिन हो गए मैं ना सर्च कर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ कौन सा फ़ोन लेना है कौन सा नहीं, तो एक्चुअली मुझे तो वीडियोस बनाने के लिए चाहिए ना, तो फिर मुझे मतलब जो अच्छा कैमरा होगा ना, मुझे अच्छा कैमरा वाला फ़ोन चाहिए था। तो फिर मैं काफ़ी वीडियोस भी देखी, बट इतना समझ में नहीं आ रहा था, तो फिर हमने इधर आए, हम DG1 में आए थे, बट उधर कुछ खास हमें दिखा नहीं, तो फिर से हम आए हैं मॉल में आए हैं, हम ओरियन मॉल में आए हैं। यहाँ पर आप देखिए हम फ़ोन लेने के लिए आए हैं, एक्चुअली फ़ोन लेने के लिए हम आए नहीं थे, हम एक्चुअली देखने ही आए थे, हम फ़ोन तो ऑनलाइन ही मंगाने वाले थे, हम यहाँ पे सिर्फ विज़िट करने आए हैं, देखने के लिए आए हैं कि क्या कैसा है फ़ोन, वो हिसाब से, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए, अंदाज़ा मिल जाए, तो हम फ़ोन ऑनलाइन मंगा सके, तो इसलिए हम आए हैं यहाँ पे। तो देखिए चलो मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप ये देख चुके होगे मेरी फ़र्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में मतलब आप देख चुके होगे, ओरियन मॉल मैंने आपको दिखाई थी, वही मॉल में हम आए हैं यहाँ पर। और हमजा देखिए, और ये हम्मा देखिए, तो देखिए हम आए हैं ये रिलायंस डिजिटल में, हम आए हैं
मैं आपको दिखाती हूँ। और बहुत सारे वैरायटीज थे, बहुत सारे अलग अलग फोन थे, और एक्चुअली इतना सारा देख के ना दिमाग काम नहीं करता, समझ में नहीं आते कि कौन सा लेना है कौन सा नहीं। किसी में कुछ अच्छा है तो किसी में कुछ प्लस पॉइंट है, किसी में तो किसी में कुछ माइनस पॉइंट है, ये भी तो था। तो हर चीज़ देख के सोच के समझ के मुझे लेना था। तो और मुझे मेन तो कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए थी, ये सबसे बड़ा पॉइंट था मेरे लिए फ़ोन में, तो ताकि अच्छी वीडियो आए, अच्छी वीडियो शूट करूँ ना मैं, और आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो दिखा सकूँ ना। तो मुझे ये भी देखना था, तो उस हिसाब से तो मैं देख रही थी। और सबसे बड़ी बात है ना, अपना बजट भी होना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे फ़ोन्स हैं बट बजट भी आउट ऑफ कंट्रोल है ना। तो हमें अपने बजट के हिसाब से फ़ोन लेना था। तो देखिए, और फिर हम लोग देखे, फिर वहां से हम आए हैं यहाँ पे, देखिए। और मेरे हस्बैंड सब देख रहे थे, मुझे दिखा रहे थे कि इसका ये कैमरा अच्छा है, इसका ये कैमरा अच्छा है, तो मुझे कर दिखा रहे थे वो। तो फिर मैंने सब देखी और फाइनली फाइनली मैंने ना डिसाइड कर ली मैंने मुझे कौन सा फोन लेना है। तो मैं इंशाल्लाह अभी 2-3 दिन में मंगा दूंगी ऑनलाइन, और वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो मेरी वो भी वीडियो आप देखें, उसके बाद देखिए हम आए हैं ये भाजी मार्केट में, हम आए हैं वहाँ से मॉल से, तो भाजी भी लेनी थी। तो मैंने मेरी हस्बैंड से कही तो चलो मार्केट होके जाते हैं, ताकि घर के लिए सब्जियाँ भी मैं खरीद लूँ। यहाँ तक आए तो कैसे ये भी काम हो जाएगा फिर, नहीं तो फिर इसके लिए भी हमको स्पेशल आना पड़ता है, और दूर है ना मार्केट, तो फिर वो हिसाब से। और वहाँ पे मिलता है लेकिन महंगा महंगा मिलता है, यहाँ मार्केट में क्या सस्ते मिलते हैं, इसके वजह से इधर से हम लेके जाते हैं। तो मैंने बहुत सारी सब्जियाँ भी खरीदी थी, और देखिए मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये भाजी मार्केट है। और फिर से हम निकल पड़े हैं, एक्चुअली भाजी मार्केट है ना, ये छोटा भाजी मार्केट है, बड़ा भाजी मार्केट है ना पनवेल का, बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, बट वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि हमजा छोटा है, तो उधर मैं नहीं जा पाती हूँ, तो मैं छोटे भाजी मार्केट में वहाँ पे ही जाके लेती हूँ। और ये देखिए हम लोग आए हैं यहाँ पे खाने के लिए आए हैं, ये गुप्ता सैंडविच में। तो हम यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे ऑर्डर दे दिए थे, तो हम वेट कर रहे थे हमारे ऑर्डर का। तो और यहाँ पे हम्माद और हमजा की मस्ती चालू थी, इधर हमजा बार बार नीचे उतर रहा है, टेबल के नीचे जा रहा था। और देखिए हम्माद, देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ना, मैं उसको बोल रही थी कितना प्यारा लग रहा है तू माशाल्लाह। और हमजा को देखिए, मेरे क्यूट हमजा को, माशाल्लाह दोनों भाई भाई। और देखिए बारिश भी बहुत हो रही थी, अंधेरा भी हो चुका था, और बहुत जोर से बारिश अचानक से ना गिरने लगी। और यहाँ पे उसके हम्मा के अब्बू देखो हमजा को लेके बैठे हैं, और कभी मैं हम्मत के अब्बू बोलती हूँ, कभी हमजा के अब्बू बोलती हूँ, है ना। और ये देखिए हमने मंगाए हैं, ऑर्डर किए थे कोल्ड कॉफी, देखिए। और बहुत अच्छी थी यार ये कोल्ड कॉफ़ी, अच्छा लगा मुझे। और एक्चुअली मैंने कभी कोल्ड कॉफ़ी तो नहीं पी थी, ये फर्स्ट टाइम ही मैंने पी हूँ लाइफ में मेरे, तो अच्छा अच्छी थी, मतलब अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस था। और ये हमने ऑर्डर किए थे पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा भी बहुत ही अच्छा था, एकदम मस्त था खाने में, माशाल्लाह अच्छा लगा हमको। और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट टाइम ही आए थे, तो अच्छा लगा। तो फिर उसके अब्बू बोले कि नेक्स्ट टाइम भी हम लोग ऐसे आते रहेंगे यहाँ पे खाने के लिए, तो अच्छा है, मतलब बजट में ही है, ज़्यादा कुछ महंगा भी नहीं है। क्योंकि मॉल में हम गए थे तो वहाँ पे भी हमने पूछा था, बट वहाँ पे थोड़ा आउट ऑफ बजट था, तो इस वजह से ना उधर गर्दी नहीं थी, संडे नहीं था ना, क्योंकि उस टाइम पे लास्ट टाइम पे हम गए थे तो संडे था, तो बहुत ज़्यादा रश थी, तो इस वजह से तो कुछ खा ही नहीं पाए, तो हम पूछे ही नहीं। लेकिन आज गए थे तो इतनी गर्दी नहीं थी, रश नहीं था, बट बहुत महंगा था, तो हमने बोला कि बाहर खाना ही बेटर है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ लेते हैं तो हमको हमारा बजट भी देखना पड़ता है ना, वो हिसाब से। और यहाँ पे देखिए गणपति विसर्जन, मैंने आपको से कहा था ना गणपति विसर्जन का टाइम है आज, और देखिए बारिश भी बहुत हो रही है, और हम अंदर ही बैठे थे एक्चुअली,
और ये देखिए, ये कहाँ का, आई थिंक ये मिर्ची गली का गणपति है। तो ये जा रहा था तो मैंने सोची चलो ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, मैंने इसकी भी वीडियो बना ली। और मतलब ये तो जो इंडियन रहते हैं उन्हें तो सबको पता है, लेकिन जो मेरे आउट ऑफ कंट्री वाले जो व्यूवर्स है शायद उन्हें ये चीज़ देखने नहीं मिलती होगी वहाँ, तो ये उनके लिए भी है ख़ास, तो उन्हें भी पता चले कि हमारे इंडिया में ये सब फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं बहुत ज़ोरों शोरों से। इसे मनाया जाता है, ये इसे गणपति फेस्टिवल कहा जाता है। तो इसके लिए मैं सोची चलो ये मेरे व्यूवर्स के लिए मैं शेयर कर दूँ ताकि वो भी देख सकें ना ये सब चीज़ों को, ये फेस्टिवल को। तो यही मकसद था ये भी शेयर करने का। आई होप सो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पता है ना क्या करना है, सब्सक्राइब, यस सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखिए और साथ ही मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्ट।